दोस्तों आप सभी ने ब्लॉकबस्टर फिल्म देवदास तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा बड़ा पसंद किया गया था। ये फिल्म एक मल्टीस्टारर फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार नजर आए थे जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के सभी किरदारों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और ऐसा एक किरदार था काली बाबू का जिसके अभिनय को खूब सराहा गया। लेकिन दोस्तों फिल्म देवदास में काली बाबू का किरदार निभाने वाले ये अभिनेता आज कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही इस दमदार मूवी के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें। फिल्म देवदास में काली बाबू का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम मिलिंद गुनाजी है जो भारतीय मॉडल, एक्टर, टीवी होस्ट और लेखक है जो हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 23 जुलाई 1961 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में इस साल 1993 में फिल्म पपीहा से कदम रखा था। इस फिल्म में इनके अभिनय को काफी ज्यादा पसंद किया गया जिसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों में काम किया जिसमें एलओसी कारगिल, देवदास और असंभव जैसी फिल्में शामिल हैं। ये फिल्में इनके करियर की सफल फिल्में मानी जाती हैं। इन्होंने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया है। फिल्मी दुनिया के अलावा ये कई टीवी शोज में नजर आ चुके हैं जिनमें व्योमकेश बख्शी, धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी और हमने ली है शपथ जैसे सीरियल शामिल हैं। इन सीरियल में भी इनके अभिनय की काफी तारीफ की गई। इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। ये न सिर्फ अपने अभिनय के लिए बल्कि अपने दमदार लुक्स के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन अगर बात करें इनके निजी जीवन की तो इन्होंने रानी गुनाजी से शादी की जो मराठी इंडस्ट्री की जानी मानी एंकर है। आज इनका एक बेटा भी है। पर आपको बता दें फिल्म देवदास में काली बाबू का किरदार निभाने वाले मिलिंद गुनाजी आज पहले से ज्यादा बदल चुके हैं। ये पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हैं जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको फिल्मों में इनका अभिनय कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।